हेलो दोस्तों, टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से सैकड़ों साल बाद हमारे इस खूबसूरत ग्रह पृथ्वी की स्थिति आज की वर्तमान स्थिति से काफी अलग होगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा काफी विकास होगा, लेकिन दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों के मामले में हम पिछड़ते चले जाएंगे। पानी का स्तर कम हो जाएगा, सूखा पड़ने की स्थिति आ जाएगी और सब्जियों एवं फलों का उत्पादन प्राकृतिक रूप से होना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पृथ्वी का ये बढ़ता तापमान कुछ समय बाद पृथ्वी पर रह सकने वाले वातावरण को सीधे रूप से प्रभावित करेगा और इसकी खूबसूरती को नष्ट करेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या कुछ सालों बाद पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा? तो इट्स हिस्ट्री के मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम आपको बता दें कि पृथ्वी के उस स्थिति तक पहुंचने में अभी काफी समय है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ऐसी किसी भी स्थिति तक पहुंचने से पहले ही हमारे साइंटिस्ट दूसरे घर की खोज में लग चुके हैं और इनफैक्ट उन्होंने दूसरा घर खोज भी लिया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और दुनिया के सबसे रेवोल्यूशनरी इंसान एलन मस्क ने मिलकर मार्स पर इंसानों को बसाने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दूसरे घर के रूप में मार्स को ही क्यों चुना गया? आखिर इंसानों को मंगल ग्रह पर कैसे शिफ्ट किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर मंगल ग्रह की -100 डिग्री से भी कम तापमान वाले वायुमंडल और अजीबोगरीब वातावरण में इंसान कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो इन सभी जरूरी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मंगल ग्रह पर इंसानों के बसाए जाने की पूरी प्लानिंग को डिटेल में समझेंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने के लिए की गई पूरी प्लानिंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर दूसरे घर के रूप में हमने मंगल ग्रह को ही क्यों चुना है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा घर पृथ्वी सूरज से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी की तुलना में बुध यानी कि मरकरी और शुक्र यानी कि वीनस सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह है। सूरज से नजदीक होने की वजह से इन ग्रहों की गर्मी इतनी ज्यादा है कि इसे इंसानों द्वारा बर्दाश्त कर पाना इम्पॉसिबल है। और पृथ्वी के बाद के सभी प्लैनेट्स सूरज से दूर होने की वजह से बहुत ज्यादा ठंडे वातावरण वाली सिचुएशन में है। पृथ्वी के तुरंत बाद मौजूद मंगल ग्रह भी काफी ठंडी स्थिति में मौजूद है। मंगल ग्रह पर अक्सर मिट्टी और धूल का तूफान आता रहता है, जिसे दूरबीनों के जरिए पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। मंगल ग्रह पर मौजूद गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है, क्योंकि मार्स के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है। सबसे अजीब बात यह है कि मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी की तुलना में काफी पतला है और यहाँ किसी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद नहीं है। मंगल ग्रह की स्थितियों को जानने के बाद अब आपके मन में यह सवाल आना लाजमी है कि जब मंगल ग्रह पर इतनी सारी परेशानियां हैं, तो आखिर कैसे इंसानों की बस्ती को मंगल ग्रह पर शिफ्ट किया जाएगा? और इस सवाल के जवाब को समझाने के लिए आपको नासा और स्पेसएक्स की पूरी प्लानिंग को समझना होगा। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क का मानना है कि मंगल ग्रह पर सरवाइव कर पाने की हालत तक पहुंचने के लिए हमें एक ऐसे शहर का निर्माण करना होगा जहां इंसानों के अनुकूलित वातावरण हो। एलन मस्क का प्लान था कि साल 2026 में पहली बार इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा, लेकिन पिछले कुछ समय के हालातों को देखते हुए 2029 तक इंसान मार्स पर पहुंच पाएगा। लेकिन नासा के अनुसार इंसानों के किसी भी समूह को मंगल ग्रह तक पहुंचने में 2030 का समय लगेगा। 2029-30 में भेजे जाने वाले नासा के कुछ लोगों को मार्स के प्रतिकूलित वातावरण में सर्वाइव कर पाने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा अंतरिक्ष में यात्रा करने की इच्छा रखने वाले यात्रियों के लिए विशेष प्रकार के स्टारशिप का निर्माण किया जा रहा है। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के जिस ग्रुप को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा, उन्हें 2 साल तक का खाना दे दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्रुप के सभी मेंबर्स को प्रेशराइज्ड सूट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो मार्स के अजीबोगरीब वायुमंडलीय स्थिति से उन्हें बचाए रखेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर मंगल ग्रह पर जाने वाले लोग वहां सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी और मंगल ग्रह के वायुमंडल और वातावरण की स्थिति काफी ज्यादा अलग है और मंगल ग्रह पर तो मिट्टी का तूफान भी आता ही रहता है। आपको बता दें, नासा और स्पेसएक्स ने इंसानों की इस बस्ती के लिए इस समस्या का भी फुल प्रूफ सोल्यूशन ढूंढ लिया है। इंसान को मंगल ग्रह के खराब मौसम से बचाने के लिए मार्स पर प्रोटेक्टिव शेल्टर का निर्माण किया जाएगा। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर एस्ट्रोनॉट्स को बाहरी सभी खतरों से बचाए रखेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का तूफान हो या फिर तापमान का अत्यधिक कम होना। लेकिन अब ये सवाल उठना लाजमी है कि जब इंसान वहाँ जाएंगे नहीं, तो इन प्रोटेक्टिव शेल्टर्स को कैसे बनाया जाएगा? तो आपको बता दें कि इन प्रोटेक्टिव शेल्टर्स का निर्माण इंसानों द्वारा भेजे गए रोबोट्स के द्वारा किया जाएगा। नासा का प्लान है कि मंगल ग्रह पर कुछ ऐसे रोबोट्स को भेजा जाएगा जो अलग अलग हिस्सों में बंटकर मंगल ग्रह की मिट्टी का ही इस्तेमाल करके एक प्रोटेक्टिव शेल्टर का निर्माण करेंगे। जरूरत पड़ने पर रोबोट्स आपस में मिलकर भी काम कर सकते हैं। आपको बता दें, ये रोबोट्स इतने एडवांस होंगे कि इनमें सेंसर्स, कैमरास, 3D प्रिंटर्स और मिट्टी खोदने वाली मशीन भी लगी होगी। रोबोट्स में लगे इन सभी फीचर्स को धरती पर बैठकर आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकेगा। जब इंसानों को पहली बार मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा, तो उस समय ये रोबोट्स इंसानों को उनके शेल्टर्स तक पहुंचाने का काम करेंगे। इंसानों को धरती जैसे
प्रेशराइज कंडीशन प्रोवाइड करवाने के लिए विशेष प्रकार के कैबिन बनाए जाएंगे। इंसानों के पहले समूह को मार्स पर भेजने के बाद सब्जियों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार शुरुआती समय में मंगल ग्रह पर तो केवल आलू और बीन्स ही उगाया जा सकता है, लेकिन इसके जरिए मार्स पर ऑक्सीजन का एक सोर्स तो विकसित हो पाएगा। ऑक्सीजन का ये सोर्स जरूरत से बहुत कम होगा, लेकिन इंसानों के द्वारा एक शुरुआत तो होगी दोस्तों। वैसे इंसानों द्वारा 2021 में भेजा गया परसिवियरेंस रोवर पहले से ये काम कर रहा है। आपको बता दें, परसिवियरेंस रोवर में मॉक्सी यानी कि मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट नाम का डिवाइस लगाया गया है। मॉक्सी नाम का ये डिवाइस मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके उससे ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन समस्या ये है कि ऑक्सीजन बनाने की इस प्रक्रिया के लिए मॉक्सी को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि मॉक्सी द्वारा मार्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पंप करके उसे प्रेशराइज किया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एक इलेक्ट्रोलाइजर में डालकर उसे 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होने की वजह से खुद नासा इसका इस्तेमाल कभी कभार ही करता है। आपको जान के हैरानी होगी कि मॉक्सी ने अब तक सिर्फ 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बनाया है, जो किसी इंसान को केवल 3.5 घंटे तक ही जिंदा रख सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की आपूर्ति कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और बिल्कुल इसी समस्या के समाधान के लिए साइंटिस्ट एक ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिसके जरिए मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड में वाइब्रेशन पैदा करके उससे ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा। और अगर ये टेक्नोलॉजी विकसित हो गई तब तो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की जरूरत की भरपाई की जा सकेगी। इन सभी जरूरतों को पूरा करने के बावजूद इंसानों की बस्ती के बसने के पीछे सबसे बड़ा बाधक मंगल ग्रह का ठंडा वातावरण है। सूरज से दूर होने की वजह से मंगल ग्रह का ठंडा होना लाजमी है, लेकिन मंगल ग्रह की इस स्थिति में इंसानों का रह पाना इम्पॉसिबल है। और बिल्कुल इसी समस्या का समाधान सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा की जा सके तो मंगल ग्रह का तापमान बढ़ाया जा सकता है। वहीं इलॉन मस्क का कहना है कि अगर मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर अटैक किया जाए तो शायद मंगल ग्रह का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाए और इंसानों को दूसरा घर मिल जाए। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मंगल ग्रह के तापमान के बढ़ते ही पानी की आपूर्ति का संकट भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह पर मौजूद सारा पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मंगल ग्रह पर इंसानों के बस्ती को बसाए जाने वाले फ्यूचर प्लान के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं इट्स हिस्ट्री की आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो के जरिए आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हिस्ट्री और स्पेस से जुड़ी ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और संग में बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।